Welcome back all of you today. वी विल भी डिस्कसिंग चैप्टर नंबर टू सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ये क्लास टेंथ का चैप्टर है इकोनमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर टू वन शॉर्ट रिविज़न हम लोग जल्दी से करेंगे इस चैप्टर का क्योंकि बोर्ड्स बहुत ज़्यादा ही पास हैं तो इस चैप्टर में सबसे पहले सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपको सेक्टर्स के बारे में बताया गया है कि सेक्टर्स बेसिकली जो ग्रुप्स क्लासीफाई कर सकें कि कौन सा काम क्या कौन सा ग्रुप कर रहा है उन्हीं को हम सेक्टर्स बोलते हैं ठीक है पहले पेज पर ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जो काफ़ी सारे एक्टिविटीज होती हैं जो कि डायरेक्टली यूज़ की जाती है एज नेचुरल रिसोर्सेज है ना जैसे कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप कॉटन हो गया ये एक क्रॉप सीजन में विद इन अ क्रॉप सीजन ग्रो कर जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल सनशाइन एंड क्लाइमेट हम इन सारे फैक्टर्स पे ज्यादातर हम क्या नहीं करते हम ज्यादातर इस पर डिपेंड नहीं करते हैं है ना कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट है सिमिलरली इन द केस ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स है ना डेयरी प्रोडक्ट्स के भी हम ज्यादातर द प्रोडक्ट हियर मिल्क आल्सो इज अ नेचुरल रिसोर्स मिल्क भी एक क्या है नेचुरल रिसोर्स है सिमिलरली मिनरल्स और ओर्स हमें क्या है नेचर के प्रोडक्ट्स ही तो हैं हमें नेचर से ही तो मिलते हैं वो नेचर के प्रोडक्ट्स हैं तो दीज आर ऑल दीज आर ऑल प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूडेड है, है ना प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स तो हम जाने कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे एक चार्ट है बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर तो, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर क्या है तो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूडेड होते हैं एग्रीकल्चर तो इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखो डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपके प्राइमरी सेक्टर में है प्रोड्यूस नेचुरल गुड्स जो कि नेचुरल गुड्स प्रोड्यूस करता है देन सेकेंडरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में मैनुफेक्चरिंग होती है तो यहाँ पर मैन्युफेक्चर्ड प्रोडक्ट्स निकले हुए हैं ठीक है मैनुफैक्चर्ड गुड्स फिर है टर्शरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर में सर्विस होती है तो इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोल रहे हैं ये क्या करता है दूसरे दोनों सेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है टर्शरी सेक्टर तो इससे हम एक चीज़ पता लगा सकते हैं कि ये सब इंटर डिपेंडेंट है तो क्वेश्चन एक ये बनता है कि जो प्राइमरी है सेकेंडरी है और टर्शरी है ये एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट कैसे होते हैं ठीक है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं क्वेश्चन जरूर आता है मतलब ये क्वेश्चन मेन है ठीक है तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं तो हम बस एक एग्जांपल को उठाएंगे कि कॉटन को ले लेंगे और उन पूरा उसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कैसे वो कंज्यूमर तक पहुंचता है सारी चीजें उसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे तो अगर ये पांच नंबर का भी होगा ना तो हम डेफिनेशन वगैरह लिख देंगे और साथ ही हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझा देंगे तो वहीं आपको पांच नंबर मिल जाएंगे ठीक है अब हम लोग आ जाते हैं कि प्राइमरी सेक्टर को और दूसरे नाम से कौन से नाम से बुलाया जाता है जिसका नाम होता है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर इसको हम इसको प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के नेम से भी जानते हैं ठीक है भाई सेकेंडरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स को एक मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्म में एक मैन्युफैक्चरिंग देता है जिससे हम एक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं एक प्रोडक्ट मिल सकता है हमें वही है सेकेंडरी का सेक्टर का काम बेसिकली ठीक है दिस कुड बी डन इन अ फैक्ट्री ये फैक्ट्री में भी हो सकता है वर्कशॉप पर भी हो सकता है हो सकता है ये इतना छोटा काम हो कि घर पर भी आप एक इंसान के थ्रू कर सकते हो ठीक है जी फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न हम यार्न क्लोथ्स वगैरह को स्पिन कर सकते हैं यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल है ना शुगर और गुड़ हम ला सकते हैं तो इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं अगर हम टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद थर्ड कैटेगरी हो जाती है हमारी टोशरी सेक्टर की ठीक है अब ये क्या करता है इन बाकी दोनों सेक्टर्स को प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को क्या करेगा डेवलप कर? करने में हेल्प करेगा ये ओवरऑल डेवलपमेंट भी कराता है अब हमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेक्टर्स में बांटने से हमें क्या फ़ायदा है ना कि प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर काम तो हो रहा है ओवरऑल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को बांटने से हमें फायदा ये मिलता है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि एम्प्लॉइज कहाँ ज्यादा है प्राइमरी में ज़्यादा है सेकेंडरी में ज़्यादा है या टर्शरी में ज़्यादा है साथ ही हम ये भी पता लगा सकते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में से सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कौन करवा रहा है हमारी जैसे कंट्री इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट किस सेक्टर के थ्रू आ रही है ये हमें कौन बता सकता है हमारी ये सेक्टर्स बता सकते हैं दैट इज़ द रीज़न हमने इसको क्लासीफाई किया है जो टर्शरी सेक्टर हमारा होता है वो कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है याद रखिएगा प्राइमरी और सेकेंडरी में ये काम होता है बट टर्शरी में ये नहीं होता है क्योंकि ये क्या करता है प्रमोट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी से आई हुई चीज़ों को प्रमोट कौन करेगा सर्विस कौन देगा उसे टर्शरी सेक्टर दैट इज़ द रीज़न कि इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं ठीक है सर्विस सेक्टर में आपकी कुछ इसेंशियल सर्विसेज होती हैं जो डायरेक्टली आपकी हेल्प नहीं करती प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे जैसे कि ये टर्शरी सेक्टर में आएंगे टीचर्स टीचिंग कर रहे हैं वो लोग भी तो टीचर्स आपके टर्शरी तो सेक्टर्स में आ गए डॉक्टर्स डॉक्टर्स इनडायरेक्टली आपके किसमें आ रहे हैं टोर्शरी में आ रहे हैं क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं आपको पर्सनल सर्विसेज कुछ नहीं सॉरी कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पर्सनल सर्विसेज भी देते हैं कौन लोग हैं वो वॉशरमैन्स बार्बर्स कॉबलर्स लॉयर्स पीपल डू डू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी टोशरी सेक्टर में आ गई क्योंकि ये आपको एक तरीके से क्या कर रही हैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं हम सारी चीज़ों को डीपली नहीं देख रहे हैं ये सारी चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं वन शॉट रिविज़न कर रहे हैं वन शॉट रिविजन कर रहे हैं तो हम ज़्यादातर उन चीज़ों को देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में आएंगी अब यहाँ पे एक चीज़ ये है इसी पे ही क्वेश्चन बन जाता है कि कैसे वो लोग हाईली इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर चुके हैं ठीक है नाउ कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स अब इन तीनों सेक्टर्स को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे कौन अच्छा है कौन नहीं कौन हमारी कंट्री को डेवलपमेंट देना है कौन नहीं हम कैसे काउंट करते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही उठ के आ जाएगा हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज सच एज एंड नोन द एंड नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर याद रहे या बोल रहा है हर एक सेक्टर की किस तरीके से हम पूछ सकते हैं कि किसने कितना कॉन्ट्रो दिया है हमें तो यू आर राइट इन थिंकिंग सो टू गेट द अराउंड दिस प्रॉब्लम हम क्या करते हैं कि एक्जाम्पल्स से समझते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि हमने दस हज़ार के जीज ऑफ वीट खरीदा और उसको कितने पे बेचा बीस रुपये पर के जी पे भेजा ठीक है

एंड सर्विसेज को ऐड कर रहे हैं ठीक है फाइनल ये एम भी आ जाता है इसलिए हम इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्यों हम फाइनल को करते हैं क्योंकि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो वैल्यूज ऑफ़ द इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो ऑलरेडी एडअप हो जाती हैं जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बिस्किट का बिस्किट में यूज़ हो रहा है हमारा वीट एंड शुगर सपोज ठीक है तो वीट और शुगर की जो प्राइस होगी वो आपके फाइनल बिस्किट में आ रही होगी तो हम अपना डेवलपमेंट वीट का शुगर का और बिस्किट का सबका ऐड करके नहीं निकालेंगे हम जो कैलकुलेशन करेंगे ओनली 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 फाइनल गुड की करते हैं तो कल ही हम बिस्किट का लेकर प्राइस निकालेंगे ओके okay. यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है तो ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक से आप समझ जाइएगा विद इन द कंट्री होता है विद इन द कंट्री होता है

it is the value of the final goods and services produced within a country during a particular year the so, gross domestic product basically kya bataika बेसिकली हमें क्या बताएगा कि क्या होती है वैल्यू फाइनल गुड्स और सर्विसेज की हर एक सेक्टर में हर एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है हर सेक्टर में उसका जब हम सम कर देते हैं तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता है विद इन द कंट्री हिस्टोरिकल चेंजेस काफ़ी सारे हिस्टोरिकल चेंजेस हमारे इन सेक्टर्स में रहे हैं इस पेज को हम छोड़ के अब नेक्स्ट पेज को देखते हैं कि हिस्टोरिकल चीज़ें क्या रही हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडिया में क्या हाल रहे हैं इन तीनों सेक्टर्स के तो हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं तो पहला जो ग्राफ आप लोग देख सकते हैं पहला जो ग्राफ आप लोग देख सकते हैं प्राइमरी ब्लू कलर इज़ फॉर प्राइमरी रेड इज़ फॉर क्या नाम है सेकेंडरी एंड टर्शरी के लिए ग्रीन है ठीक है तो हम ये देख सकते हैं कि जो ये हमारा नाइनटीन का ईयर था नाइनटीन का जो ईयर है ये ठीक है और सेवेंटी फोर के बीच का ये ईयर है और टू थाउजेंड थर्टीन और फोर्टीन में हम प्रोडक्शन देखेंगे किस में ज़्यादा हुआ किस में ज़्यादा हुआ तो देखो किस में हमें पैसा ज़्यादा मिला तो देखो ठीक है ये है हमारा प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी में भी बढ़ावट हुई है यानी कि ग्रोथ हुई है सेकेंडरी में साफ पता चल रहा है कि ग्रोथ हुई है टोशरी तो में साफ पता चल रहा है कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ हुई है तो अब हम लोग इस इसको स्टडी इस ग्राफ को स्टडी करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि टोशरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस प्रोडक्शन में बड़ी है करेक्ट बड़ी है कुछ बेसिक सर्विसेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन इन वन मार्क्स बेसिक सर्विसेज क्या होती हैं बेसिक सर्विसेज क्या होती हैं फर्स्ट इन एन एनी कंट्रीज हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टूशन आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेंस वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं यही सब बेसिक सर्विसेज कहलाती हैं किसी भी कंट्री में कोई भी डेवलपिंग कंट्री में अगर गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर देती है दैट इज हॉस्पिटल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज पुलिस स्टेशनस वगैरह ये सब प्रोवाइड कर देती है तो इसे हम बेसिक सर्विसेज में इंक्लूड कर लेते हैं ठीक है सेकेंडली अगर हम इधर देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर लीड्स टू डिफरेंट डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच सर्विस इसकी वजह से इसमें जो डेवलपमेंट आया है फर्स्ट ग्राफ में हमारा उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ट्रेड स्टोरेज ऐसी सारी सर्विसेज की ग्रोथ हुई है ऐसी सारी सर्विसेज की ग्रोथ हुई है इनकम लेवल राइज हुआ है ओवरऑल डेवलपमेंट राइज हुआ है हमारी कंट्री का फोर्थ ओवर द पास हमारी सर्विसेज जो है नई सारी सर्विसेज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसी चीजें ईजाद हुई हैं चैप्टर तो फोर में वी शेल सी ग्लोबलाइजेशन आई थे वाले भी लोग होते हैं Now, most, हमने ये तो देख लिया टोशरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है बट प्रोडक्शन टर्शरी में सबसे ज़्यादा हो रहा है लेकिन अब ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम कर रहे हैं काम सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है यहाँ सेवेंटी वन है ये फोर्टी फोर है ये इलेवन है ये ट्वेंटी फाइव है यहाँ पे एटीन है ये थर्टी वन है तो सबसे ज़्यादा काम करने वाले कहाँ पे हैं अभी भी प्राइमरी में है जबकि टर्शरी सेक्टर ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा दे रहा है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेकिन प्राइमरी में काम ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन कम होता है तो वही एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है प्राइमरी में क्योंकि प्राइमरी में काम करना बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सी सारी चीजें होती हैं और काफी सारे फार्मर्स जो हैं उसमें ही लगे होते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है नाउ अब एक कंडीशन होती है अंडर एम्प्लॉयड की कंडीशन ये क्वेश्चन भी बनता है ये क्वेश्चन भी बनता है जहाँ पर जहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट हिडन होगा इन कंट्रास्ट टू हैव हु नॉट अ जॉब एंड क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि वो अनएम्प्लॉयड है बेरोज़गार है उसी को हम डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे जहाँ पर एक एक बंदा क्या कर रहा है काम नहीं कर पा रहा है अपने पोटेंशियल से ज़्यादा अपने पोटेंशियल से ज़्यादा वो काम नहीं कर रहा है और जैसे पाँच फार्मर्स की ज़रूरत थी एक फील्ड में बट यहाँ लगे हुए हैं दस तो बाकी के जो पाँच होंगे वो अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो गई अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो गई दिसकाइड अनएम्प्लॉयमेंट इसे ही कहते हैं इसे ही कहते हैं अब हम किस तरीके से किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं तो यहाँ हमारी इकोनॉमिक्स की बुक में हमें समझाया ही एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू जाता है तो जल्दी से एग्जाम्पल्स को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी से और देख लेते हैं इसमें क्या है ना एक लक्ष्मी है लक्ष्मी के पास दो हेक्टेयर का लैंड है वो क्या करती है लोन लोन ले लेती है गवर्नमेंट से लोन ले लेती है लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरीगेट तभी उसकी फील्ड इरीगेट हो पाएगी और इस तरीके से यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है डैप्ट की चीज़ ठीक है तो डेप्ट क्या होता है डैप्ट में आ जाना डैप्ट एक डेप्ट यानी कि आपने लोन ले लिया आप और लोन ले जा रहे हो बट उसको रीपे नहीं कर पा रहे हो तो एक तरीके से आप कर्जे में आते जा रहे हो कर्जा कर्ज़ा यानी कि डेप्ट ठीक है तो एक एम जी नरेगा सुना होगा आप लोगों ने टू थाउजेंड फाइव ये आप लोग शायद नाइन्थ क्लास में और एथ क्लास में दोनों में यहाँ आपने इसको पढ़ा है एम जी नरेगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एम जी नरेगा ठीक है तो एम जी नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये कहता है कि हम सौ दिन का काम उसको देंगे जो करना चाहते हैं काम जो कर सकते हैं और करना चाहते हैं काम जो एम्प्लॉयमेंट की नीड में है हम उसको सौ दिन का पेड वर्क करवाएंगे ठीक है यहाँ पे कांता की स्टोरी है जो बहुत काम करती है यहाँ पे कमाल की स्टोरी है कांता की स्टोरी ये है कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड अभी हम पढ़ लेते हैं क्या होता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेंद क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो आपको अगर एक आपको जैसे कि पता है इकोनॉमिक्स की बुक में एग्जाम्पल चलते हैं ठीक है तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा जैसे कि आपको आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर ठीक है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी तुम एग्जाम्पल दोगे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी एग्जाम्पल दोगे दो दो एक एक पॉइंट दोनों का हो गया एक एक पॉइंट दोनों का हो गया उस ही एग्जाम्पल से मिलते जुलते कुछ पॉइंट्स बना दोगे तो इस तरीके से चार नंबर पक्के ठीक है एग्जाम्पल ही आपको सारा कुछ बता देगा जैसे कांता एक किस में वर्क कर रही है एक ऑफिस में वर्क कर रही है उसका टाइमिंग उसे परमानेंटली बताया गया है अगर वो कोई छुट्टी भी लेती है उसे पेड वर्क मिल जाती है पेड लीव मिल जाती है उसे मेडिकल लीव मिल जाती है उसे हॉलीडे भी संडे की मिलती है बट कमाल एक ऐसी शॉप में काम करता है जहाँ पर उसका जो बॉस है वो कभी भी उसे निकाल सकता है उसका जो मालिक है दुकान का वो कभी भी निकाल सकता है उसका काम इतने से इतने टाइम तक होता है और उसको संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती है और उसकी रेगुलर जॉब भी नहीं है कभी भी इसको हटाया जा सकता है उसको पेड लीव्स भी नहीं मिलेंगी तो यही फायदा है ऑर्गेनाइज में रहने का और यही नुकसान है अनऑर्गेनाइज में रहने का

रेगुलर हैं जहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड दै वो पीपल हैव अश्योर्ड वर्क लोगों के पास काम भी है जो कि अश्योर्ड है दे आर रजिस्टर्ड बाई द गवर्नमेंट ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं एंड हैव टू फॉलो हिज रूल्स एंड आर गिवन टू द जैसे मिनिमम वेज है ये सारी चीज़ें हैं इसी को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं क्योंकि ये सम फॉर्मल प्रोसेजर्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करता है ओके okay. नाउ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कमाल काम करता है जहाँ पे उसको कोई भी पेड लीव नहीं मिलती है जहाँ पर उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है जहाँ पे उसको पेमेंट रेगुलर नहीं मिलती है जहाँ पे कोई भी फ़ायदा नहीं है कि हम ओवर टाइम वर्क करें और हमें ज़्यादा पैसा मिले हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये क्या है ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है क्योंकि ये क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ठीक है ये हमारे क्वेश्चन के आंसर्स के मार्क्स हो गए पक्का अब हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में हमें किस तरीके से वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि अनऑर्गेनाइज वालों को हमें प्रोटेक्ट करके इसलिए रखना है क्योंकि ऑर्गेनाइज तो हो गया सेफ बट अनऑर्गेनाइज हो गया अनसेफ तो उसको सेफ कैसे करें

और पब्लिक सेक्टर उसे वो किस टर्म्स में बांटे गए हैं वो बांटे गए हैं ओनरशिप के टर्म्स में अब प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंस है एक्टिविटीज इन विच ऑन द विच वुड बी है ना क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स एसेट्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पब्लिक सेक्टर में क्या होता है गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज देखो पब्लिक में क्या है कोई भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए गवर्नमेंट काम नहीं करती गवर्नमेंट हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कोई भी एसेट्स हमें प्रोवाइड करती है सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है तो पब्लिक इज़ फॉर जस्ट नो प्रॉफिट बट या टू फुलफिल अवर नीड्स इन प्राइवेट दे दे कीप देर आई ऑन प्रॉफिट ओनली दे डों नॉट थिंक अबाउट द पीपल्स वेलफेयर ठीक है प्राइवेट सेक्टर ऑनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज पहली बात कि ये प्राइवेट लोगों के पास होती है गवर्नमेंट इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है रेलवेज और पब्लिक्स पोस्ट ऑफिस हमारे रेलवे और पोस्ट ऑफिस हमारे पब्लिक सेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि कौन किसका एग्जाम्पल है रेलवे और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल रेलवे पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर वेर एज कंपनी लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और टेस्को आर आई एल प्राइवेटली ओन्ड टेस्को और आर आई एल क्या है दोनों ही ये दोनों ही प्राइवेटली ओन्ड है वेरास रेलवेज और ये जो है पोस्ट ऑफिस ये सब क्या है प्राइवेटली पब्लिकली ओन्ड है और ये दोनों चीज़ें प्राइवेटली ओन्ड है एक्टिविटीज़ जो मोटिव रखती हैं अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो कहलाती हैं प्राइवेट वेरस जो नहीं रखती हैं जो हमारी वेलफेयर के लिए काम करती हैं वो होती हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी चीज़ें निकालता है फॉर दोस्ट हु कुड नॉट जो सपोर्ट करे चीज़ों को ठीक है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी चीज़ें लेकर आता है गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा करता है और हमें प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा चाहता है तो ये हमारा चैप्टर बहुत जल्दी ही खत्म हो चुका है क्योंकि हमने इस चैप्टर को जस्ट वन शॉट रिवाइज किया है तो इस चैप्टर में हमने सारी चीज़ें देख ली हैं मैं बता देती हूँ एक और बार सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट सबसे पहले सेक्टर्स क्या होते हैं ग्रुप्स होते हैं प्राइवेट प्राइमरी वो सॉरी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में क्या डिफरेंस होता है और इनको और क्या दूसरे नामों से जाना जाता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी जो है इंटोडिपेंडेंट किस तरीके से होते हैं या एक सेक्टर के हट जाने से क्या प्रॉब्लम्स रईज़ हो सकती हैं या फिर कौन सा टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कौन ज़्यादा है आगे या फिर टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक क्वेश्चन बन जाते हैं उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक ओनरशिप के बेसिस में है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज के बारे में हमने देखा हमने डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखा हमने इसकी डिफिनेशन देखी हमने एम जी नरेगा देखा हमने डिवीजन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज देख लिया उसके बाद हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं वर्कर्स को उसके बाद हमने ओनरशिप के बेसिस पे चीज़ों को देख लिया तो ये चैप्टर बिल्कुल भी लेंदी नहीं था जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैंने इसमें जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मैंने इसमें वो कवर करने की बहुत ज़्यादा वाली कोशिश की है आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने शॉर्ट्स पर डाल रखे हैं आप जाकर के देख सकते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस टाइम बोर्ड्स में क्या हो सकते हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इस ए वन के सब्सक्राइबर्स से लेके जाइए थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय बाबा